क्या नाम है आपका? नाम नितिन। कहाँ से आए आप? गोयला से। कितनी मुंजी है? मुंजी वही हुई जी। कितनी लेके आया, क्या हुआ आपके साथ? 50 क्विंटल है जी। अच्छा, कहाँ लेके जानी थी? मंडी लेके जानी थी पानीपत। किसने रोका आपको? पुलिस वालों ने रोका। उधर से रात 1:30 बजे आ गए थे यहाँ पे, फिर उनसे पूछा मगर नहीं, इन्होंने कोई भी जीरी का दाना उधर नहीं जाएगा। पानीपत मंडी में लेके जानी थी। हाँ जी। हरियाणा पुलिस ही रोक दिया? हाँ, हरियाणा पुलिस रोक। वापसी कर दी आपको? अभी वापसी कर। तो क्या क्या मांगे आपकी, क्या चाहते आप? मंडी में जाना चाह रही है जी। ये तो बारीक जीरी है। बारीक जीरी है जी, ये तो 1509 है जी। मोटा भी नहीं है। मोटा भी नहीं है ये तो। और मोटा निकल रहा है जी, बेचना चाह रहे हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? त्रिशपाल। कहाँ से मुंजी ले गए? जसाड़ा। कितनी मुंजी है आपकी? 30-35 क्विंटल। तो क्या हुआ, आप जाने क्यों नहीं दे रहे? नुकारे है तो थाने में ले जाएंगे, नहीं वापसी चले जाओ, जान नहीं दे रहे। हरियाणा पुलिस के लिए? हाँ। तो अभी क्या क्या मांगे आपकी? मैं हमारा धान चला जाओ मंडी में, संभाल कर ले जाना। संभाल कर मंडी में? हाँ। आड़ती को बेचना है? हाँ हाँ। जाने क्यों नहीं दे रहे, क्या कर? पता नहीं, ये घर एक बंद है। बंद है तो मोटा मोटा अनाज तो नहीं आपका? नहीं, 1509 है। 1509 बारीक है? हाँ बारीक है। तो जिस तरह पिछले 10-11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं किसान बॉर्डर पे कृषि कानून को लेकर, तो अब दिक्कत ही आ रही है। सरकार कह रही है किसान कहीं भी बेच सकता है, लेकिन आप जान तो नहीं दे रहे, बेचते तो जो जान दे। मैं तो कौन मना करा रहा है? पुलिस मना कर रही। पुलिस, हरियाणा पुलिस। तो क्या क्या मांग है आपकी? हमारा धान चला जाओ मंडी में, ये मांग है। बेचना चाहते हैं।